तो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे इससे पूर्व वीडियो में राजनीतिक दल और दबाव समूह का अर्थ। हमने समझा था कि राजनीतिक दल और दबाव समूह क्या होते हैं, और उस वीडियो में आपने जाना था कि राजनीतिक दल वह समूह है जो समान सिद्धांतों पे, एक सिद्धांतों विचारधाराओं के आधार पर चलते हुए सत्ता को प्राप्त करता है और शासन का प्रत्यक्ष संचालन करता है, नीतियां बनाता है राष्ट्र के लिए। और दूसरा जो दबाव समूह है, उसका हमने जाना था कि दबाव समूह सामान्य, जो समान हित वाले लोग हैं, वो जब एक साथ जुड़ते हैं किसी भी अपने हितों को लेकर और सरकार की नीतियों को प्रभावित कर अपने हितों की पूर्ति कराने के लिए लगातार सरकारों पे दबाव बनाए रखते हैं, सरकारों को प्रभावित करते हैं अपने अनुसार नीतियां बनाने के लिए, या अपने विरुद्ध कोई नीतियां बनी तो उनको कैंसिल कराने के लिए, जो भी उसमें सीधा सा संबंध है कि उनको अपना हित सर्वोपरि उनके लिए होता है, तो वो होते हैं दबाव समूह। आज के वीडियो में हम देख रहे हैं राजनीतिक दल और दबाव समूह, इन दोनों में क्या अंतर है, क्योंकि सबसे पहले हम इनके अंतर करेंगे, फिर इनको डिटेल से इन दोनों का अलग अलग विश्लेषण करेंगे जो आपके एमए फाइनल के अकॉर्डिंग है। लेकिन कई बार 5 नंबर का प्रश्न आपसे पूछ लेते हैं कि राजनीतिक दल और दबाव समूह, इन दोनों में आप अंतर बताइए, तो उसके अनुसार हम सबसे पहले हम कुछ सामान्य अंतर देखते हैं। तो देखिए, पहला अंतर तो आप यहीं से कर सकते हैं कि अंतर का आधार हम लेते हैं कि किस आधार पर हम अंतर कर रहे हैं। तो सबसे पहला अंतर तो हम कर रहे हैं उद्देश्य के आधार पे। दोनों का उद्देश्य क्या है, तो इनकी परिभाषा से ही स्पष्ट हो चुका होगा कि इनका उद्देश्य क्या है। यदि हम बात करें राजनीतिक दल की, तो राजनीतिक दल का उद्देश्य क्या है, सत्ता। उसका उद्देश्य होता है सत्ता प्राप्ति। वो हमेशा, मैंने बताया ना कि वो चाहे जीत गए हों तो सरकार के रूप में सत्ता का काम करते हैं, सत्ता का कार्य करते हैं, और यदि हार गए हैं तो भी पूरे साल वो सरकार की जहां कमियां होंगी उनके पीछे आपको उनसे संबंधित बताएंगे, दोबारा से ऐसे ऐसे कार्य करेंगे, पॉजिटिव कार्य करेंगे जिससे उनके पक्ष में जनता का समर्थन आए और जनता उनको सत्ता प्रदान करे। तो जो हारे हैं वो भी, और जो जीते हैं वो भी, दोबारा जीतने के लिए, कि दोबारा भी सत्ता उन्हीं को मिले। हमेशा इनके जो भी कार्य होते हैं उन कार्यों के पीछे मुख्य उद्देश्य होता है सत्ता, यदि है तो आगे फिर सत्ता प्राप्त करना, और नहीं है तो उनको सत्ता प्राप्त करना। लेकिन उद्देश्य हमेशा राजनीतिक दल का होता है सत्ता की प्राप्ति, और सत्ता प्राप्ति के माध्यम से शासन का संचालन प्रत्यक्ष रूप से करना। ठीक है, यदि हम बात करें दबाव समूह की, तो दबाव समूह है उसका आप देखेंगे कि उसका उद्देश्य सत्ता प्राप्ति नहीं होता है। वह सत्ता के ऊपर दबाव तो बनाए रखना चाहता है, सत्ता को कंट्रोल तो करना चाहता है, लेकिन किसके लिए, अपने हितों के लिए। ठीक है, मान लीजिए एक श्रमिक दल है, वो चाहता है कि श्रमिकों के लिए सरकार ये नियम बनाए, या ऐसा नियम आपने बना दिया तो इस नियम को आप रद्द करिए, कुछ भी हित हो सकते हैं, या उनका एक मिनिमम जो वेतन है वो इतना निर्धारित करिए, या उनके लिए ये योजना, पेंशन योजना, कुछ भी जो उनके आर्थिक हितों के लिए, सामाजिक हितों के लिए, जो भी उनको लगता है कि उनके विकास के लिए आवश्यक है, तो अपने विकास के आवश्यक जो भी उनको लगता है कि ये उनकी डिमांड्स हैं, तो वो हित ये उनके सर्वोपरि होते हैं। तो इनका उद्देश्य क्या है, इनका उद्देश्य है हित। हर दबाव समूह का उद्देश्य होता है उस समूह के सामान्य जो हित होते हैं उनकी पूर्ति करना, और ये इनके क्रियाकलापों के पीछे यही एक बड़ा लक्ष्य होता है, यही एक प्रेरणा होती है। ठीक है, तो इनके कार्यों के पीछे, राजनीतिक दलों के पीछे प्रेरणा होती है सत्ता की प्राप्ति, और उसके पीछे जो दबाव समूह है उनके पीछे जो आप देखें कि प्रेरणा होती है, वो होती है उनके उस दबाव समूह का हित। ठीक है, आपने पूर्व में पढ़ा होगा ना, राजनीतिक व्यवस्था आपने पढ़ी है, आपने राजनीतिक व्यवस्था में आपने डेविड स्टर्न का नाम आपने पढ़ा था, और इसमें आपने पढ़ा था इनपुट आउटपुट मॉडल। राजनीतिक व्यवस्था में
इनपुट आउटपुट मॉडल, आपने पढ़ा था कि किस तरीके से एक राजनीतिक व्यवस्था कार्य करती है, इनपुट। तो इनपुट्स में आपने देखा था कि दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट जो ईस्टर्न ने बताई थी राजनीतिक व्यवस्था सिद्धांत में, कि जिनके आधार पर गवर्नमेंट निर्णय लेती है, मतलब गवर्नमेंट की जो नीतियां बनती है। अभी अपन बात कर रहे थे ना कि दबाव समूह का मुख्य कार्य क्या है, उन नीतियों को अपने अनुसार परिवर्तित करवाना या अपने अनुसार सरकार से, सत्ता से नीतियां बनवाना, अपने हितों का संरक्षण करना, अपने हितों का संवर्धन करना, यह उनका मुख्य लक्ष्य होता है। तो आपने इसके अंदर पढ़ा था, जो इनपुट्स में आपने दो चीजें पढ़ी थी, मांग प्लस समर्थन। तो जनता द्वारा, ये जो हमने पढ़ा था कि इनपुट कहां से आते हैं, जनता के द्वारा, जनता के द्वारा जो मांगें आती है उन मांगों को तब गवर्नमेंट उनके ऊपर निर्णय देने के लिए सोचती है जब उन मांगों के पीछे समर्थन इतना हो जाए कि गवर्नमेंट बाध्य हो जाती है। गवर्नमेंट उस समय बाध्य हो जाती है कि जब, और जितना समर्थन बढ़ता जाएगा उतना गवर्नमेंट की नीतियां उनके फेवर में प्रभावित होना शुरू हो जाती है। तो समर्थन जो शब्द आपने पढ़ा था, इस समर्थन का, मांगों का जो समर्थन है, इस समर्थन में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कौन करते हैं, दबाव समूह अदा करते हैं। समझ गए आप इस चीज को, दबाव समूह के रूप में अपनी डिमांड के पीछे एक बड़ा समर्थन लगता जाता है, जिसे डेविड स्टर्न कहता है इनपुट। और इनपुट का बहुत बड़ा रोल होता है गवर्नमेंट के डिसीजन, जिसके माध्यम से आउटपुट जो गवर्नमेंट के डिसीजन आते हैं उस पे बड़ा रोल होता है। तो यही चीज हमने इसमें समझी है कि दोनों में अंतर क्या है। एक है वो प्रत्यक्ष रूप से शासन चलाता है और जब विपक्ष में रहता है तो सत्ता प्राप्ति के लिए पुनः प्रयास करता है, ध्यान रखता है, लेकिन इनका मुख्य कार्य अपने हितों की पूर्ति के लिए लगातार सरकार के ऊपर, जैसा कि आपको बताया था कि इनपुट्स के माध्यम से, जब इनपुट में जो मांग है वो मांगों का समर्थन एक तरीके से, तो उस समर्थन में महत्वपूर्ण भूमिका जो निर्वहन करता है वो करता है दबाव समूह। तो दबाव समूह है वो हमेशा अपने हितों के लिए कार्यकलाप करता है, अपने हितों के लिए प्रयास रहता है, और राजनीतिक दल है वो हमेशा सत्ता के लिए। तो पहला अंतर आप कर सकते हैं दोनों के उद्देश्य को लेकर। नेक्स्ट जो अंतर आप करेंगे तो सदस्यता को लेकर आप अंतर कर सकते हैं दोनों में। सदस्यता में आप देखेंगे कि राजनीतिक दल है कोई भी, एक व्यक्ति एक ही राजनीतिक दल का सदस्य रहेगा, ठीक है। आपने एक्स पार्टी ज्वाइन कर रखी है, मान लीजिए किसी में एक्स है, वाई है, जेड है, ठीक है। तो या तो आप एक्स पार्टी के सदस्य रहेंगे या वाई के रहेंगे या फिर आप जेड के रहेंगे, एक के रहेंगे आप। जिस भी विचारधारा से आपकी मेल खाता है आपका, जिन विचारों से साम्यता आप रखते हो, जिन विचारों के माध्यम से आपको लगता है कि मेरे विचार इस पार्टी के विचारों से मिलते हैं, इस राजनीतिक दल के विचारों से मिलते हैं, और आप उसी के माध्यम से सत्ता को आगे बढ़ाते हैं, सत्ता प्राप्ति में शामिल हो सकते हैं। लेकिन दबाव समूह की बात करें तो एक ही व्यक्ति है, वो एक बार में कई दबाव समूह का सदस्य बन सकता है, ठीक है। एक व्यक्ति है, अपनी जाति या समाज से जुड़ा कोई दबाव समूह है उसका भी सदस्य है। वह व्यक्ति अपने व्यवसाय, मान लीजिए वह किसान हो सकता है या स्टूडेंट हो सकता है, कोई भी हो सकता है, तो वह अपने जो व्यवसाय से संबंधित है, ठीक है, उससे संबंधित कोई दबाव समूह बना है उसका भी सदस्य हो सकता है। वह मान लीजिए कोई आकस्मिक अलग कोई दबाव समूह बना किसी विशेष मांग के लिए उसका भी सदस्य हो सकता है, ठीक है। वह और भी, तो कहने का मतलब यह है कि एक ही व्यक्ति अनेक दबाव समूह का सदस्य हो सकता है, लेकिन एक व्यक्ति एक राजनीतिक दल का ही सदस्य रहेगा। तो दूसरा अंतर हम कर सकते हैं सदस्यता के आधार पर। अगली बात यदि हम करें राजनीतिक दलों के और दबाव समूह की, तो एक आप इनके एरिया को लेकर, इनके क्षेत्र को लेकर भी आप इनमें कंपैरिजन कर सकते हैं, ठीक है। क्षेत्र को लेकर आप कैसे करेंगे कि जो राजनीतिक दल हैं उनका क्षेत्र निसंदेह काफी बड़ा होता है, सब सामान्य हित को लेकर चलते हैं वो, क्योंकि जब तक सामान्य हित को लेकर नहीं चलेंगे उनको बहुमत नहीं मिलेगा, और लोकतंत्र में यदि बहुमत नहीं मिला तो फिर वो सत्ता से दूर हो जाएंगे, ठीक है।
तो उनका मुख्य उद्देश्य क्या है? सत्ता प्राप्ति। और सत्ता प्राप्ति के लिए उनको क्या करना पड़ेगा? बहुमत प्राप्त करना पड़ेगा। और बहुमत प्राप्त करने के लिए उनको सामान्य हित में विस्तृत कार्य करना पड़ेगा। तो उनका क्षेत्र कैसा है? विस्तृत क्षेत्र है, बड़ा क्षेत्र है। राजनीतिक दल बड़े क्षेत्र में काम करते हैं, बड़े उद्देश्यों को लेकर काम करते हैं, उनके क्रियाकलापों में बड़ा क्षेत्र है वो कवर होता है, ठीक है। जबकि दबाव समूह होते हैं, इनका क्षेत्र यदि हम बात करें तो राजनीतिक दलों की तुलना में काफी संकीर्ण होता है। संकीर्ण का मतलब ये केवल अपने अपने हितों की बात करते हैं, इनके व्यक्तिगत जो हित हैं, इनके जो समूह के हित हैं, जिस के लिए बना है ये समूह, ये केवल उसके हितों के लिए बात करते हैं, उससे आगे हित की बात नहीं करते हैं, चाहे उसके लिए उन्हें कुछ भी करना पड़े। वहां वो कई बार आप देखते हैं कि इस तरह की भी अपने हितों के लिए इस तरह का प्रदर्शन हो जाता है कि कई बार जो हम देखते हैं कि दूसरों का नुकसान भी कर देते हैं, राष्ट्रीय सार्वजनिक जो संपत्तियां हैं उन तक को, जैसे मान लीजिए आपने हाईवे रोक दिया, आपने रेल की गाड़ियां रोक दी, आपने और कहीं धरना प्रदर्शन दे दिया, तो कितने लोग प्रभावित होते हैं, समझ गए आप इस चीज को। तो यहां आप, यहां जो मायने रखता है सामान्य हित, सबका हित, सार्वजनिक कल्याण, उसको ध्यान में रखते हुए राजनीतिक दल संवैधानिक परिस्थितियों में उनके अंदर रहते हुए काम करेंगे। लेकिन दबाव समूह है, उनके लिए अपने हित बड़े होते हैं, वो अनेक बार आप देखते हैं कि और जो राष्ट्र से जुड़ी हुई चीजें हैं उनको भी साइड में कर देते हैं, और केवल वो लोग अपने हितों की पूर्ति के लिए रोड जाम जैसे, या मान लीजिए पटरियां जैसे जाम करनी है, या एकदम से बंद जैसे उन्होंने बंद जैसा आह्वान कर देते हैं, कई बार बंद करवाने की कोशिश करते हैं, तो ये जो भी, लेकिन उनका कार्य क्या है? केवल अपने हितों के लिए। तो उनके हित होते हैं वो अपने केवल उन सदस्यों के लिए, उस एक विशेष मान लीजिए वर्ग जो उनका समूह बना हुआ है उस विशेष समूह के लिए होते हैं। तो राजनीतिक दलों की तुलना में जो दबाव समूह है इनका क्षेत्र काफी संकीर्ण होता है, कार्य करने का जो क्षेत्र है और इनके दायरे हैं वो कम होते, केवल अपने समूह तक सीमित होते हैं ये, जबकि ये अपने समूह से हटकर सार्वजनिक हितों तक अपना जो रोल है, अपनी भूमिका है वो अदा करते हैं। दूसरा, आपने देखा सत्ता को लेकर, तो सत्ता को लेकर आप सीधा सा इनमें अंतर बता सकते हैं कि ये राजनीतिक दल होते हैं, ये प्रत्यक्ष रूप से शासन को प्राप्त करके, सत्ता को प्राप्त करके शासन का संचालन और नीतियों का निर्माण करते हैं। लेकिन दबाव समूह है वो, इनका उद्देश्य सत्ता प्राप्ति न होकर अप्रत्यक्ष रूप से सत्ता के ऊपर दबाव डालकर अपने अनुसार नीतियां बनाने का लक्ष्य उनका होता है। तो एक स्वयं नीतियां बनाते हैं और एक अप्रत्यक्ष रूप से दबाव डालकर केवल अपने हितों के अनुसार नीतियां बनवाने का कार्य करते हैं। तो इस दृष्टि से भी आप इन दोनों में अंतर कर सकते हैं। और यहां एक आप ये भी बता सकते हैं कि इनमें जो सिद्धांत या विचारधाराएं होती है वो बिल्कुल समान विचारधाराओं पर जुड़े हुए होते हैं, लेकिन यहां असमान विचारधारा के लोग भी एक हित के लिए, हो सकता है एक हो बाकी उनके विचार अलग अलग हो, ठीक है। मान लीजिए हो सकता है कि एक्स जो जाति है उसमें क, ख, ग, इन तीन लोगों के विचार आपस में नहीं मिलते हैं, लेकिन जब इनकी जाति का मामला आ गया, इनके वर्ग का मामला आ गया, तो तीनों एक विशेष उद्देश्य के लिए, एक विशेष हित के लिए ये एक होकर कार्य करते हैं और उसके बाद में फिर अलग अलग हो जाते हैं। लेकिन राजनीतिक दल में यदि आप ये जुड़ गए हैं तो सबको एक ही दल में उस विचारधारा के अनुसार कार्य करना पड़ता है, ठीक है। तो राजनीतिक दल और दबाव समूह में एक अंतर ये है, और एक काम करने के तरीके का भी आप अंतर बता सकते हैं। जो इनका काम करने का जो तरीका है, इसमें राजनीतिक दल है वो हमेशा संवैधानिक दायरे में रहते हुए कार्य करता है, असंवैधानिक कोई भी वो इस तरह का काम नहीं करेगा जिसकी वजह से उसके राजनीतिक दल का अस्तित्व संकट में आ जाए, ठीक है। लेकिन दबाव समूह है सामान्यतः ये भी काम जब करते हैं तो आजकल लोकतांत्रिक तरीके से करते हैं, संवैधानिक तरीकों से करते हैं, लोकतांत्रिक तरीकों से विरोध करते हैं, लेकिन कई बार दबाव समूह है वो हिंसात्मक हो जाते हैं, ठीक है ना। और हिंसात्मक हो गया इसका मतलब फिर वहां संविधान का उल्लंघन होना शुरू हो गया, या मान लीजिए दूसरों के अधिकारों को आपने जाम लगा दिया, बंद कर दिया, दूसरे लोग जो जाना चाह रहे हैं उनकी फैसिलिटी आपने प्रभावित कर दी, तो ये संवैधानिक
नहीं माना जाएगा। तो कई बार कुछ मामलों में हम देखते हैं कि दबाव समूह है वो इस तरह के काम भी कर डालते हैं। तो यहां थोड़ा सा दोनों में ये अंतर भी हम कर सकते हैं। तो इन सारे आधारों पे आप राजनीतिक दल और दबाव समूह में सामान्य अंतर कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी हम जैसे इन दोनों का अलग अलग, अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे राजनीतिक दल से संबंधित क्या क्या कंसेप्ट्स हैं और दबाव समूह संबंधित क्या क्या कंसेप्ट्स हैं, कितने प्रकार के राजनीतिक दल होते हैं, कितने दबाव समूह होते हैं, और दबाव समूह के काम करने का तरीका क्या होता है, राजनीतिक दलों के काम करने का तरीका क्या होगा। तो नेक्स्ट दो वीडियो में हम इन दोनों चीजों को समाहित करेंगे। एक बार केवल आपको इसलिए ये बताया गया है ताकि आप राजनीतिक दल और दबाव समूह का जो प्रश्न है, जो आपके एमए फाइनल और बीए पार्ट फर्स्ट दोनों में ही आता है, तो दोनों के ही विद्यार्थी हैं वो इसको एक सामान्य तरीके से एक बार इसको पढ़ना शुरू करें। देखो विद्यार्थियों, ये बार बार मैं आपको कह रहा हूं कि आप लोग जो भी प्रश्न से आप जो प्रश्न आपको लग रहे हैं अगली साल के लिए, क्योंकि एमए फाइनल की एग्जाम हो चुकी इस बार, तो इस बार जो एग्जाम हुई है उनके आप जो पुराने क्वेश्चन पेपर है भी जो 2020 का, वो आप ले लीजिए, या यहां से भी आप कभी आना हो आपका तो अपने लाइब्रेरी में भी अपन रखते हैं जो लाइब्रेरी का जो सैंपल पेपर 2020 का, तो वो भी आप उनमें से ले लेना, जो पुराने पेपर यहां मिल जाएंगे लाइब्रेरी में आपको, तो उनकी हेल्प आप लीजिए और उनके अनुसार आप तैयार करिए कि आपको नेक्स्ट बहुत अच्छे तरीके से कौन कौन से प्रश्न तैयार करने हैं। तो अभी से आप यदि तैयार करते हैं तो आप 2021 की परीक्षा के लिए उन प्रश्नों को बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं जो आपने टॉप ग्रुप में रखे हैं। फिर आप सेकंड ग्रुप के बना लीजिए कि उनके बाद में ये प्रश्न आ सकते हैं, उनके बाद में ये, तो कैटेगरी वाइज आप बना लेंगे एक जो काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन जिनको आप खूब अच्छे से तैयार करिए, फिर उनसे कम महत्वपूर्ण क्वेश्चन, तो ऐसे दो तीन पार्ट में करके आप उनको बेहतरीन तरीके से तैयार करने की प्रक्रिया है वो अभी से शुरू कर दीजिए। क्योंकि आपके पांच पेपर हैं और पांच पेपर में आपको, जैसे मान लीजिए अब आगे देखते हैं किस तरीके से सिस्टम चलता है, जैसे भी गाइडलाइंस अपने पास आती है सेंट्रल गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की, उसके अनुसार जैसे कॉलेजों का आपका आगामी जो कार्यक्रम होगा उसके अनुसार अपन करेंगे, लेकिन एग्जाम जब अपन दें तो वहां तक हमें तैयारियां अभी से शुरू करनी है। तो जो भी अच्छी रेफरेंस बुक्स वगैरह हैं वो आप ले लीजिए, पॉलिटिकल थ्योरी की ले लीजिए, कंपेरेटिव पॉलिटिक्स की ले लिए, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स की अच्छी बुक्स वगैरह आप ले लीजिए, क्योंकि ये सारी चीजें अब आपके नेट में भी काम आनी है, तो नोट्स भी बनते जाएंगे और आपकी एमए फाइनल का भी तैयार होता जाएगा, ठीक है।